देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। यूपी की 8 सीटों पर मतदान शुरू, बागपत में वोटरों का फूलों से हुआ स्वागत। सोनिया गांधी आज रायबरेली से नामांकन करेंगी दाखिल, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और उनके दोनों बच्चे रहेंगे मौजूद। की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने, लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र खीचड़ पीड़िता के घर में पहुंचकर जानी कुशल क्षेम। छात्र छात्राओं ने मनाई मानव श्रृंखला, ईवीएम और वीवीपैट के बारे में दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा 2019 के लिए पहले चरण की वोटिंग प्रारंभ हो गई है। आज लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेकर खुद के लिए सरकार चुनने का दिन है। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज 91 सीटों के 14 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें 1,279 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय होना है। बिहार की 4 सीट, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीट, ओडिशा की 4 सीट, असम की 5 सीट, जम्मू कश्मीर की 2 जबकि महाराष्ट्र की 7 सीटों पर मतदान प्रारंभ हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि सेना को सशक्त करने वाली सरकार चुनने के लिए अधिक से अधिक मतदान करें। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 2 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 9 ऐसे राज्य हैं जहां पहले चरण में ही चुनाव खत्म हो जाएंगे। अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और लक्षद्वीप की सारी सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में केंद्र होने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के तहत आज 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान प्रारंभ हो गया है। इनमें उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटें भी शामिल है। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, कैराना और मुजफ्फरनगर, साथ सहारनपुर और बिजनौर शामिल है। पहले चरण में लगभग 1.92 करोड़ मतदाता कुल 96 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतदान स्थलों पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। पहले चरण में जिन सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है उनमें केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से, जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से और सत्यपाल सिंह बागपत से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष अजीत सिंह मुजफ्फरनगर और उनके बेटे व पार्टी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी बागपत से, सपा और बसपा रालोद गठबंधन से चुनाव मैदान में उतरे हैं। यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी आज रायबरेली से अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेगी। इससे पहले वह रोड शो करेगी। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और उनके दोनों बच्चे मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नामांकन के वक्त उनके साथ रहेंगे। रायबरेली में 5वें चरण में 6 मई को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के झुंझुनू आने से पहले ही झुंझुनू जिले के कांग्रेस नेता एक जाजम पर नजर आए। गड़िया टाउन हॉल में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें न केवल झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र औला बल्कि नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार और पूर्व विधायक रीटा चौधरी भी शामिल रही। इस बैठक में खास बात यह रही कि इसमें चुनाव के साथ एकजुटता की बातें की गई और माफी, मदद और पुरानी बातें भुलाने जैसे शब्दों का ज्यादा उपयोग किया गया ताकि पूरी कांग्रेस एकजुट हो। विधायक ब्रजेंद्र औला ने अपने संबोधन में एकजुटता की कोई बात नहीं की। उन्होंने पहले केंद्र सरकार पर हमले किए। जिले के सर्वमान्य नेता हैं ब्रजेंद्र भाई साहब, आप लोग, आपका जिले के अंदर हर क्षेत्र के अंदर आपके वोटर्स भी हैं, आपके समर्थक भी हैं। हम लोग चाहते हैं और आप भी चाहते होंगे कि कांग्रेस यहाँ से विजयी होकर निकले, उसमें आपकी मदद की हमें ज़रूरत है। मैं एक बार पुनः
आप सब लोगों का धन्यवाद देती हूं और इतना विश्वास दिलाती हूं कि मेरे मंडावा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विजयी होकर निकलेगी, निश्चित तौर पर भड़क लेकर निकलेगी। जब आदरणीय विजेंद्र वाला जी को सम्मानित कर रही थी रीटा चौधरी जी और शरण कुमार जी, तो आपने सबसे ज्यादा ताली बजाई। गाजिया टाउन हॉल में कुछ लोग बैठे हैं, ये पूरे जिले में अगर संदेश चला जाए कि झोलू जिले की कांग्रेस एक हो गई है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार लहर में यहां पे बीजेपी का खाता खुला था, वो खाता इस बार के बाद हमेशा के लिए वापस बंद हो जाए। मैं किसी को भी चढ़ाने की बात नहीं करना चाहता, विजेंद्र जी भाई साहब सब लोग चाहते हैं, इसी सब लोग ये बात चाहते हैं। आपस के अंदर हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा दिया, अब नई शुरुआत करनी चाहिए। एक छोटा भाई हूं, होता क्या है कि जो लोग आपको झुंझुनू में नुकसान पहुंचाते हैं वो डबल टक से फायदा ले लेते हैं, जो सूरजगंज में नुकसान पहुंचाते हैं वो आपके झुंझुनू में फायदा ले लेते हैं, आपको झुंझुनू में जो नुकसान पहुंचाते हैं वो मेरे से नवगढ़ में फायदा ले लेते हैं। ऐसे लोग जब बीजेपी की सरकार आती है। जाजपुर में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए और मतदान के प्रति मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए कल ग्राम शंकरगढ़ में तहसीलदार दौला सिंह के नेतृत्व में बस स्टैंड पर स्कूली छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन किया और नए मतदाताओं का स्वागत कर उन्हें ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारी दी। झवर के निकटवर्ती कुंभावाड़ा में खंत्री छिपा समाज सुमरों की क्रिकेट क्रम प्रतियोगिता का फाइनल मैच बुधवार को हुआ। फाइनल मैच झवर स्टार और धवा के बीच हुआ, जिसमें धवा ने 4 विकेट से मैच जीत लिया और वहीं झवर उप विजेता रही। इस मौके पर कांग्रेस उप रिपीट कांग्रेस युवा नेता श्याम खीचड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि खत्री समाज खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे। इस दौरान थाना राम मुंडन, भागीरथ सिंह चौधरी, शेर अली अनेक खिलाड़ी और ग्रामीण उपस्थित रहे। अपना था वो बीत गया और जिनके पास है उनको संजो के खेल नहीं है तो कुछ नहीं है, आदमी जिंदगी में आगे आगे बढ़ता है तब वो। जालौर के सदर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक चोर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है और आरोपियों के पास से चोरी के वाहन भी बरामद हुए हैं। यह लोग शहर के अलग अलग जगहों से मोटरसाइकिल ले चुराते हैं और उनके दूसरे जनपद में बेच दिया करते हैं। जनपद कोतवाली के अंतर्गत स्वाट टीम और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के द्वारा शातिर लुटेरों को जो मोटरसाइकिल की चोरी करते थे पकड़ा गया है। यह गैंग पिछले कई वर्षों से लगातार मोटरसाइकिलें चोरी कर रहा था। दिनांक 30/3/2019 को भी कोतवाली क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसको मेरे द्वारा बरामद किया गया है। इसके अलावा 3 और मोटरसाइकिलें भी इनसे बरामद की गई हैं। किस तरह से ये घटना को अंजाम देते थे? इनके द्वारा सबसे पहले वहाँ पर रेकी की जाती थी जहाँ पर मोटरसाइकिल रखी रहती है और इनके पास चाबी होती है, चाबी लगा करके मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, फिर उसको थोड़ी दूर ले जाते हैं, फिर वहाँ से ले आ करके अपने स्थान पर रख देते हैं। और ये इसलिए करते हैं कि अगर कोई आदमी जान भी जाए तो उसको ये एहसास हो जाए कि ये मोटरसाइकिल गलती से लेके चला गया, फिर अपनी मोटरसाइकिल लेने के लिए आते हैं और उसके बाद इस मोटरसाइकिल में भी चाबी लगा करके मोटरसाइकिल चोरी करके भाग जाते हैं। इनका और भी कोई अपराधी के इतिहास है? नहीं, इनका अपराधी के इतिहास 3 मोटरसाइकिलें इनके पास से बरामद हुई हैं, एक अलग से जो 30/3 में बरामद हुई हैं, कुल 4। ओसिया कस्बे में स्थित पंचायत समिति भवन और तहसील परिसर के आगे बुधवार को स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत बालिकाओं ने बालू मिट्टी पर जगन्नाथपुरी के समुद्र तट की तरह कलाकृति उबेर कर और रंगोली बनाकर
मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। वहीं बालिकाओं द्वारा बालू मिट्टी से निर्मित कलाकृति और रंगोली आकर्षण का केंद्र रही, जिसे देखकर प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों और मतदाताओं ने बालिकाओं की जमकर वाहवाही की। और वहीं स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को उपखंड अधिकारी रतनलाल रैगर के हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली तहसील रोड न्यू बस स्टैंड पर व पुराना बाजार से होते हुए वापस तहसील परिसर पहुंचकर पूर्ण हुई। रैली के दौरान बालिकाओं ने मतदान दिवस से जुड़े नारों की अलग अलग तख्तियां हाथ में लिए हुए मतदाताओं को जागरूकता का संदेश दिया। वहीं आगामी चुनाव में मतदाताओं को प्रेरित कर अधिकारियों और ग्रामीणों ने शपथ लेते हुए चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए अपील की है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में गत दिनों एक 5 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में चाहे आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी बच्ची की हालत चिंताजनक है। परिवार के हालात और कुशलक्षेम जानने के लिए बुधवार को झुंझुनू के भाजपा लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र कीचड़ ने पीड़ित परिवार के घर जाकर कुशलक्षेम जाने। पीड़ित परिवार को दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया और सरकार द्वारा हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, सीओसी जिला संयोजक निवेश सैनी, भाजयुमो अध्यक्ष लाली सोनी, नगर मंडल उपाध्यक्ष धूलमल सैनी आदि लोग उपस्थित रहे। ऐतिहासिक रणगौर मेले के तीसरे दिन लोगों ने रात में मेला बंद करवाने और पुलिस सख्ती के विरोध में धरना प्रदर्शन कर उपकरण अधिकारी जितेंद्र पांडे को लिखित सूचना दी। प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक गणगौर मेले को आचार संहिता का हवाला देकर 11 बजे बंद करवा दिया गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध किया। प्रशासन और पुलिस की सख्ती से लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए करीबन 200 लोग सहित व्यापार संघ विभिन्न संगठनों के साथ विधायक प्रताप गमेती, प्रधान पुष्कर तेली सहित लोगों ने उपकरण अधिकारी के सामने लिखित सूचना दी। साथ ही मेले को पूर्व परंपरा अनुसार पूरी रात्रि तक चलने देने की बात कही। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। वही स्थानीय लोगों ने मामले में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मेले को 2 दिन तक बढ़ाने की मांग की है और पूर्व में चली परंपरा अनुसार ऐतिहासिक गणगौर मेले को पूरी रात तक चलने के लिए उपकरण अधिकारी को अवगत कराया। लोगों की भीड़ और आक्रोश को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तहसीलदार विमलेंद्र राणावत ने समझाइश करते हुए आश्वासन दिया कि गोगुंदा गणगौर के ऐतिहासिक मेले को पूर्व परंपरा अनुसार चलाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।